अच्छा मसला जब हम छोड़ देते जगह तो पूरा उखाड़ दिया तो वी हैड टू गेट इट पेंटेड अगेन. द फर्स्ट सीरीज दैट आई वॉच वाज वो हजरत इब्राहिम वाली, वो शेखिया सिंह, वो वहां वहां पे मुझे पता था ये वसूली है. मैं भी कोई बहुत ऐसा जो बर्गर बचा नहीं था. एक कमरा था छोटा सा, उसके आगे छोटा सा एक हमने वो सोफे रखे हुए थे, काउच रखे हुए थे, और उस साइड पे बस हम बैठ के बातें कर रहे होते थे. वंस अगेन फासलों को तकल, ये वो ट्रांजिशन के लिए बुजुर्गों की नहीं, वो इमामे और टोपियां होती हैं, बाद में लोग देखेंगे उसको. रईसुल मुमिनीन की जाएगी आगे टोपी. स्पिरिचुअल कनेक्शन है इससे, तो इसलिए सो भी. तो असलान भाई ने जिससे मुझे देखा, उन्होंने कहा रईस का तो इश्यू यही है कि ये तो बस बच्चों की वजह से और दूर से कहने लगे और बिजनेस की वजह से. और मेरी वाइफ भी शायद अलग रहे पॉडकास्ट देखे. अगर मुझे लग रहा है आपने जितने पैसे दिए थे वो पूरे हो गए. क्या भी टॉप करता है इसकी मुबारकबाद. बिल्कुल भी यहाँ टॉप नहीं करता है, बिल्कुल करीब भी नहीं है ये टॉप के. शर्म का मकाम. नहीं नहीं तुम जैसे लोग टॉप नहीं करेंगे तो कौन करेगा. मैं हमेशा इसके रिजल्ट से परेशान होता हूँ कि ये वंस अगेन ये नसीहा का मॉडल नहीं है. मैं क्लेरिफाई करूं टू ऑल द पीपल लिसनिंग, मैं बहुत दुआएं करता हूँ प्लीज आप जो है ना इज में जाएं. और मैं आमीन कहने से डरता था, मैंने कहा मौलवी ना बन जाऊंगा. इतना बेसिक है नहीं है, मैं 10 बार पूछूंगा, बट यही वो टाइम है. एंड आई थिंक द उस्ताद आर देयर फॉर दैट. एंड आई थिंक उस्ताद को बहुत अच्छा लगता है. खैर ये मैं उसको मजीद मैं उसको वो पंप कर रहा हूँ. नहीं नहीं एक सर्टेन लेवल तक उस्ताद को बहुत अच्छा लग रहा होता है. मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि पहले साल मुझे किस चीज को फोकस करना चाहिए. ठीक है बे यार तो अच्छा था अब से गाड़ी उतरते ही तो मैं फिर किस चीज पे फोकस करूं. व्हाई डिड यू स्टॉप द यूट्यूब चैनल. वो हैक्टिक है काम, क्योंकि उसके लिए एडिटिंग और फिर उसके बाद काफी स्क्रिप्ट लिखना और सब कुछ करना. इंस्टाग्राम पे इतना नहीं है. इंस्टाग्राम पे आप बस इनफॉर्मली भी स्टार्ट करते हो, जिस तरह सब कुछ स्टार्ट हुआ और इनफॉर्मली खत्म कर देते हैं, तो वो बहुत ईजी रहता है. लेकिन हाँ पॉइंट ये है कि करना तो चाहिए. शुरू करूंगा इंशाल्लाह दोबारा. ये आपको बात पता नहीं होगी बट जो हमारा कुल मीडिया शुरू हुआ था ना, तो वो शेर खान के कंधों के बलबूते पे हुआ था. हमारा पहला मीडिया रूम इसने बनाया था. ही वाज आवर फर्स्ट मीडिया हेड, क्रिएटिव लीड, डिजाइनर भी आप थे. डिजाइनर नहीं था मैं, डिजाइनर तो हमारे पास थे कोई और थे. कुल बस ये उसके ही वाज एवरीथिंग. इसी ने हमें वैसे बाय द वे देयर वाज सम पार्ट वेयर ही वाज मोटिवेटिंग अस कि नहीं करें यार. वैसे वो कमरा अभी तक होता ना, इसने बताओ क्या किया था. इसने छत के ऊपर, अच्छा मुझे अभी तक नहीं पता क्यों, बट पूरी छत के ऊपर जो है ना न्यूज़पेपर चिपकाए हुए थे. यू नो वाइब मैन, ये वाइब है क्या मतलब है. आगे किसी वीडियो में नजर नहीं आते थे. सस्ता थीम. अच्छा मसला जब हम छोड़ देते जगह तो पूरा उखाड़ दिया तो वी हैड टू गेट इट पेंटेड अगेन. दीवार पे भी हमने सारा स्टिकरिंग की हुई थी, वो भी उतारते हुए पता चल गया. पहले थे वॉलपेपर. सही है यार, भूल जाओ. मुझे लग रहा है वो इतना था इस कमरे, इतना सा कमरा था मीडिया रूम. खैर इतना तो नहीं था. अच्छा इसका डबल होगा. और वहाँ पे हमने कुल तकरीबन 2 लाइव पॉडकास्ट की थी. पॉडकास्ट नहीं होती, अरसलान साहब की लाइव टॉक्स गई थी, वहाँ से 2 गई थी, आपकी 1-2 रिकॉर्डिंग्स हुई थी, और हमने छोटी स्क्रिप्ट्स वहाँ पे सारी बनाई थी. हाँ, शैतान वाली और पता नहीं डिफरेंट. और शैतान वाली भी वहाँ शूट हुई है. छोटी स्क्रिप्ट्स जो हम बना रहे थे ना, आपने अगर स्क्रिप्ट हमारी पहले देखती नसिया वाली, तो हम सारी वहीं पे बना रहे थे. तो वो उस वाइब के हिसाब से जगह बनी हुई थी. बाकी चीजें हमने ऑर्डर की. अच्छा वो अच्छा वो रूम जो था ना उसपे हमने वो लगाए हुए थे. हाँ उसपे हमने साउंड एब्जॉर्बर्स लगाए हुए थे, तो वो हमने दराज से जो है ना सस्ते ऑर्डर किए. अच्छा 15,000 का आए थे, मुझे भी याद है. 15,000 के हमने सिर्फ फोम मंगवाया था, और जब आया मैंने कहा यार ये तो यहाँ भी बन सकता था. ये हमने वहाँ से क्यों मंगवाया. अच्छा वैसे जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्केल हम कितने बड़े हुए हैं ना, वेरी शॉर्ट वाइल. कि मुझे होता है कि उस वक्त भी जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो इससे डिबेट चल रही थी कि यार 15,000 के मंगवाने कि नहीं मंगवाने. एंड हम कह रहे थे नहीं सस्ते ढूंढो, पता नहीं क्या करो. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जो पूरा सेटअप था अंडर 200K 180 में हुआ था. 180 पूरा सेटअप हो चुका था. राइट एंड अब अगर आप अब देखो जो सेटअप है, उसके बाद एक अलग ही टेंजेंट. हाँ माशाल्लाह एक्सपीरियंस के साथ जो उन्होंने पूरा सारा मामला किया. खैर आप लोगों का वो कैसा रहा. चेंज वाज ऑसम. मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं. चेंज वाज लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आप गए. नहीं मैंने गया. इस बार तो मैं कहता हूँ बस मज़ा बहुत आया लिटरली, क्योंकि एक अलग ही हम लोग वाइब के साथ गए थे. और शुयूख तो कोई भी नहीं थे, जो शुयूख आप में आप भी नहीं थे, अरसलान साहब भी नहीं थे, उन साहब भी नहीं थे. वैसे पूरे रास्ते हर कोई अरसलान साहब नहीं, यासीन भाई भी नहीं है तो कौन है फिर इसमें. वी हैव शेख हारिस एंड शेर खान एंड शेख आफाक एंड शेख मौजूद. बट आई हर्ड दे गिव गुड सेशंस. हां जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत. यानी अगर मैं एएसएल की बात करूं तो आज से 3 साल पहले जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, आज वो माशाल्लाह पूरे लीड कर रहे थे. मैं एक्चुअली यही सोच रहा था. हां ये बहुत ये बहुत जी वाकई. मैं अच्छा मैंने कोई वहां पे सेशन नहीं दिया. मेरा पॉइंट था कि इंस्टाग्राम पे बात करूं. मैंने बकर को कहा भी था, उसने कहा नहीं शेर खान कोई सेशन नहीं. इंस्टाग्राम पे बात करने मैंने कहा भाई नहीं रहने दो, इंस्टाग्राम यहां पे मैं ऑन कर दूंगा ज्यादा. तो
लेकिन हारिस और आफाक ने माशाल्लाह, आफाक ने जो एक्टिविटीज करवाई हैं वो तो ऑसम माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत. उसमें लिटरली आप ये देखें कि टीम वर्क के ऊपर सारी एक्टिविटीज थी, एक लीडरशिप पे थी और दो टीम वर्क पे थी. तो वो जब हम फ्री हुए ना एक्टिविटी से बाद, तो काफ़ी देर तो उस पर डिस्कशन होते रही. अच्छा, जो ग्रुप्स बने थे वो डिस्कशन करते रहे. अच्छा, और उसके अच्छा. बाद आके सर अच्छा इस अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता तो क्या होता, तो वो उनकी एक नज़र आ रही थी कि इतना उन्होंने उसमें इंटरेस्ट किया और सब कुछ रहा. बाकी हारिस का थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट था, उसने थोड़ी वो क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट कौन सा था टेक्स्ट पढ़ाया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा. टेक्स्ट पढ़ाया था, हाँ, सफर के ऊपर पूरा टेक्स्ट पढ़ाया था. सुभान अल्लाह, वैसे ये एक चीज है डेफिनेटली इन 3 इयर्स लाइक खैर हारिस चलो बाकी आप लोग जितने भी हैं, तो मैं अपने माइंड में इतना जल्दी इमेजिन नहीं कर सकता था. लाइक हमारे माइंड में ये था लाइक जब एआईएसएल शुरू भी कर रहे थे कि यकीनन हमने प्रोड्यूस यही करना है कि वी हैव यू नो मोर टीचर्स मोर स्पीकर्स मोर दाइस, बट द नोशन कि आप लोग 3 साल में एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ही गए, आप लोगों ने लीड भी किया, टॉक्स भी दिए, सारा कुछ किया. तो आई थिंक दैट वाज एटलीस्ट मेरा अपना परसेप्शन. मुझे इतना जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, स्पेशली जब आप लोगों का पहला बैच आया था तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन. वाज दिस द फर्स्ट ट्रिप लेड बाय द स्टूडेंट्स ओनली? हाँ जी, ये पहला ट्रिप था हम लोगों का और इट वाज लाइक यानी हैरानकुन था. हम लोग पहले यानी वॉकर वाइज डिस्कशन हो रही थी, तो पहले ये प्लान नहीं था कि भाई ये लोग लीड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. आखिरी वक्त तक ये प्लान चल रहा था, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने नहीं भाई आपने कह दिया तो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह और अच्छा से करेंगे. तुम क्यों नहीं आए थे यार? हारिस भाई माशाल्लाह, मिस किया तुम लोगों को यार. बैच 3 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए अपने आप को गया. आप पिछले साल नहीं थे? एएसएल ओनली, उसमें भी नहीं था, उसमें भी नहीं था. ऐसे एएसएल का ट्रिप जा रहा है इंशाल्लाह. हां उसमें इंशाल्लाह रहला भी अभी प्लान है कि नहीं है मुझे कुछ अंदाजा नहीं. देयर इज समथिंग वी आर प्लानिंग आई थिंक इंशाल्लाह. खैर आपका क्या परसेप्शन था जब आप यू नो व्हेन यू इनिशियली केम? लाइक मुझे आप बहुत वेगली याद हो, अभी हम जब बैठे हुए थे हम बात कर रहे थे ना, तो के हारिस आया था और हारिस कैसा था मुझे बिल्कुल नहीं याद. बट लाइक हाउ डिड यू एंड अप एट नसीहा? नसीहा बेसिकली ऑब्वियसली थ्रू अरसान साहब. अरसान साहब की बेसिकली एक टॉक हुई थी लम्स में, तो एलआरएस पे वालों ने पोस्ट की. मेरी नहीं थी वो टॉक. मैंने देखा मेरी मेरी के बाद द फर्स्ट सीरीज दैट आई वॉच वाज वो हजरत इब्राहिम वाली, वो शेखिया सिंह, वो वहां पे मुझे पता नहीं मेरी वसूली है. इसरा वाला मेराज नहीं थी? बस वो जो व्हेन आई जॉइंड नसीहा अपडेट्स ग्रुप, उसके बाद मेरा कोई लाइक इन पर्सन तो इतना इंटरेक्शन नहीं था. एक दफ़ा अरसलान साहब के घर एक आध दफ़ा गया, फिर उसके बाद एआईएसएल का प्रोस्पेक्टस आया, एक आध दफ़ा मैंने जब लाइक सरसरी सी नज़र डाली तब मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ. बट एक दिन मैं बस वैसे ही रैंडम, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था एकदम से इसका ख्याल आया, मैंने खोला, मैंने प्रोस्पेक्टस पूरा देखा, मैंने कहा यार ये अरबिक का बेसिकली शुरू से था शौक के अरबिक कौन सा कोर्स ऐसा होता है जिससे अरबिक आए, पता भी नहीं था कि कौन सा कोर्स होता है. बट ड्यूरिंग लम्स ये चीज ड्यूरिंग लम्स ही आपके दिमाग में चल रही थी या टुवर्ड्स द एंड ऑफ लम्स? आप उसको ग्रेजुएट हुए हुए थे कि आपका फाइनल ईयर चल रहा था? नहीं, मैं ग्रेजुएट हो गया था 2021 में. वी स्टार्टेड इन 2022 ना, तो तब मैं ग्रेजुएट तो हो चुका था. बट ये शुरू से शौक था, बट आई डिडंट पुट इन लाइक एनी एफर्ट रियली टू फाइंड समवन ऑफ माय टाइप. बट ये जब मुझे मिला तो फिर मुझे लाइक फौरन से मुझे ये हुआ कि यार ये मैं स्टार्ट करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड एंटर्ड प्रोफेशनल लाइफ, तो मुझे था कि अब क्या ही और मसरूफियत वगैरह होगी, तो फिर दिस इज द राइट टाइम प्रॉब्ली कि मैं इसको ऐड अप करूँ अपनी रूटीन में. एंड वो जो नोशन होता है अब लाइक गोइंग टू मदरसा, एंड बिकॉज आप जब किसी को कहते हो कि मैं मदरसा जा रहा हूँ, बिकॉज कहने को मतलब मैं इसको जितना भी अंग्रेजी में नसीहा एकेडमिक स्टैंडर्ड कह दूँ, बट मेरे दिल में ये मदरसा ही है, इट दस गा है. तो लाइक हाउ वाज दैट परसेप्शन व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस, जिस तरह पढ़ाया जा रहा था? बिकॉज ऑब्वियसली आप बिफोर लम्स आप कहाँ थे? बिफोर लम्स में एलजीएस फेज 5 से मैंने एलएलएस किया. तो आपने एक सर्टेन मेथोडोलॉजी से आप गुजरे हुए हैं, तो वाज दैट लाइक जारिंग फॉर यू और लाइक व्हाट वाज समथिंग दैट यू वुड नॉट एक्सपेक्टिंग? आई थिंक इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि मैं भी कोई बहुत ऐसा जो बर्गर बच्चा नहीं था मेरे लाइक स्कूलिंग में, इन द सेंस कि स्कूलिंग में भी एलजीएस फेस वाइज बट वो वाला इफेक्ट इतना नहीं था. मेरी स्कूलिंग में भी लाइक ड्यूरिंग माय स्कूल भी मेरे दोस्त वगैरह तबलीग से जुड़ चुके थे, थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर था टूवर्ड्स मतलब उसमें बैठना वगैरह, तो वो इतना उस तरह का इफेक्ट नहीं था. सेकेंडली जब मैंने ये अरसलान साहब की टॉक्स वगैरह पे गया तो मुझे फील हो गया कि यार हाउ इज द ऑडियंस लाइक, तो इसलिए उस बिल्कुल भी एक दफ़ा भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार कैसा होगा. अच्छा वैसे यहाँ पे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ. याद है जब हम ओरिएंटेशन हुई थी अरसलान साहब की तरफ, हमारा पहला बैच था, तो हम आए थे मैं, अमार और हारिस, हम 3 थे.
और आपको पता है हम लोग उस अच्छा उस हमारा 30 किलोमीटर का कम्यूट था, हम दूर 30 किलोमीटर आना और जाना सारा मामला, तो हम जाते हुए ये बात करते हुए जा रहे थे कि यार आ तो गए हैं और यहाँ पे अच्छा भी लगा आके, लेकिन ये मदरसे में कैसे पढ़ेंगे यार, ये क्या मुश्किल, क्या मतलब है यार, छोड़ो मदरसे में यहाँ पढ़ना है, हम अच्छा हार्डेस्ट BNU में पढ़ रहे हैं, एलीट स्कूल से आप मदरसे में, अल्टीमेटली क्या हुआ रास्ते में जाते हुए डिसाइड किया कि चलो पढ़ के देखते हैं क्या होगा। आप ये सोचें कि हमने जब ओरिएंटेशन के बाद ज्वाइन किया, अगस्त में शायद हम लोग फिर शुरू किया था हमने ना, कोविड के आसपास शुरू किया था, बिल्कुल कोविड चल रहा था, हाँ कोविड में शुरू किया था, तो पहले 1-2 महीने मुश्किल रही है, लेकिन उसके बाद जो बॉन्डिंग बनी है दैट वाज लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उस मदरसे के साथ तो एक अलग ही बॉन्डिंग थी आप जानते हैं, जो ओरिजिनल हमारा, यानी वो तो मैं बता नहीं सकता, हारिस नहीं रहा उस वक्त यार, वो पता नहीं एक कमरा था छोटा सा, उसके आगे छोटा सा एक हमने वो सोफे रखे हुए थे, काउच रखे हुए थे, और उस साइड पे बस हम बैठ के बातें कर रहे होते थे, एक किचन था साइड पे, ऐसा लगता था कि यार ये पता नहीं अब स्टूडियो हम लोगों का, वो स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप नहीं होता कि बस आओ यहाँ पे पढ़ो चिल करो और जाओ, तो उधर से भी एक हमारी वाइब क्रिएट हुई थी कि यार नहीं यस मदरसा बहुत कूल भी हो सकता है, आदमी आके यहाँ पे चिल भी कर सकता है और इल्म भी पूरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पहले जो साल थे ना, पहला जो हमने 2 सेमेस्टर वहाँ पे किए, वैसे उसमें आप लोगों ने भी बहुत टाइम दिया था, आई थिंक वी डिडंट हैव टीचर्स राइट, जी जी, 5 में से 3 हम थे, इट वाज जस्ट मुफ्ती अंसार साहब भी थे, कारी असान थे, एंड हम मैं मोइन अरसलान बस, तो वो भी एक था कि आप लोगों के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी क्रिएट हो गई थी, और हम लोग मोस्टली होते भी थे, और हमारे अपने बैच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। मुझे याद है हम 22 थे जब हम लोग ओरिएंटेशन पे थे, और हम लोग जो हम कितने रह गए थे, 14 रह गए थे, तो जो 7 लोग उनसे हमने बाद में कॉन्टेक्ट किया, वो कहते बस पता नहीं हम लोग आना चाहते थे लेकिन बस हमसे मिस आउट हो गया कहीं ना कहीं, हमारी फैमिली कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ बिजनेस की कमिटमेंट्स थी, तो पॉइंट ये था कि बस एक महीने का वो गैप था जो कि हमें किसी तरह कवर करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे ही हमने कवर किया ना, तो मदरसा वाज लाइक यही हमारा दूसरा घर है, पहला घर ये आपके बैच ने तो प्रॉपर घर ही बनाया हुआ, सोते भी इधर ही हैं, खाते भी इधर ही हैं। अच्छा इन्होंने वैसे जितनी सबमिट कर दिया ना, फिर इन्होंने जितनी पार्टी की है मैं आपको बता ही नहीं सकता। अच्छा मुझे मैंने सुना है लिटरली एवरी डे देयर इज सम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नहीं बुलाता, किसी ने आज तक इस तरह नहीं जाते, हम ऐसे इतना नहीं जाते ऑनेस्टली, वैसे आप सोच सकते हैं पता नहीं क्या क्या जो सुना है उसके बाद हम लोग डर चुके हैं, जब भी खाते छुपके खाते हैं और बाहर जाके छुपका खा के, यू नेवर नो, ये लोग इनके सारे गुनाह एलानिया होते हैं, ये लोग जो है ना घूम फिर रहे होते हैं, खाने आ रहे होते हैं, हमने अपने साजा को दिखा दिया। I think in your batch, I think that's one thing I liked about your batch as well, कि there was a lot of cohesion, मतलब आप लोग I think माशाल्लाह काफी सारे सबकी दोस्तियां भी हो गई, एंड आई थिंक एक यू नो टच में भी रहे, एंड एक दूसरे को पुल अप, एटलीस्ट मुझे बज़ाहिरन ये बाहर से इमेज ऐसी आ रही होती है कि आप लोग बड़े कनेक्टेड हैं लाइफ, नहीं आई डोंट नो, ये बहुत बहुत मिराकुलस चीज़ है, मैंने भी चीज़ फील की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपकी इतनी जल्दी बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लाइक राइट आफ्टर लाइक विद इन 2 मंथ्स बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, और एज गैप इतना कि लाइक यू हैव समवन एज एल्डर एज हाजिक भाई 39 ईयर ओल्ड, और एज यंगर एज अब्दुलरहमान भाई 18 साल, लेकिन अब्दुलरहमान और हाजिक भाई साथ खड़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये अब्दुलरहमान को छोटा भाई, तो ना अब्दुलरहमान जिस तरह बात कर रहे हैं, लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी डेफिनेटली ये चीज जो है ना यहाँ पे आप फील करेंगे, तो ये इट्स ट्रू लाइक आई डोंट नो, लाइक मेरा खुद लाइक इन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक मेरा तो अब इवन जो करंट लाहौर का सर्कल है तो वो यही था, उन्होंने साथ एट वन पॉइंट इन टाइम इवनिंग में जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं मदरसा पढ़ा था, मतलब अब नाउ वी यू नो लाइक रनिंग नसीया इंस्टीट्यूट या जो भी, तो इट वॉज बेस्ड ऑन दैट, लाइक आई वुड नॉट इवन से उस वक्त दोस्ती थी, बट उस वक्त एक ताल्लुक था, and then that developed over time, and I think it is, I hope so inshallah, ke you know ek lifelong ek hota hai, and I think usme koi garz nahi hota, like I think ke because university mein you spend 4 years right, ek 4 saal ka time hota hai, banda hostel mein bhi hota hai, but I think in a very short span of time yahan maybe it's because wo ek saath ek mushkil waqt chal raha hota hai, evenings dena choti baat nahi hai na, ek bahut badi qurbani hai raat ko time nikalna, I think that really helps, दूसरे को पुल ऑफ कर रहे हो तो वो बड़ी एक अफिलिएशन सी बन जाती है कि यार ये बंदा मुझे बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, लो तो जो नहीं आया उसको कॉल करो, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग, छोटी छोटी चीजों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। What was one thing you were like not expecting, like एक होता ना कि और या बिल्कुल this was how you envisioned कि यार ऐसा ही मेरा ASL प्रोग्राम होगा, या one thing that you felt कि हाँ यार ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, like in a positive sense,
अभी हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे. इन द पॉजिटिव सेंस ये चीज़ के मुझे मतलब पता नहीं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक साल बाद मेरी नसिया से इतनी बॉन्डिंग हो जाएगी. अच्छा. बिकॉज यू स्टार्टेड बाय टेकिंग इट एज अ प्रोग्राम, मैंने प्रोस्पेक्टस देख के स्टार्ट किया, बट नाउ इफ़ यू आस्क मी तो प्रोस्पेक्टस की मेरे लिए लाइक मतलब इट्स वेरी ट्रिवियल फॉर मी. उसमें से कोई चीज़ रह भी जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं एक लर्निंग वॉलंटियर फॉर द लाइफ टाइम बन चुका हूँ फॉर नसिया. अब मैं नसिया आई कंसिडर माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ नसिया रादर देन एएस स्टूडेंट. तो वो पता नहीं कैसे, लेकिन अभी भी आई फील लाइक देयर कुड बी मोर पीरियड्स ऑफ मतलब विच आर डेडिकेटेड टू बॉन्डिंग और इस तरह की जिसमें क्लासेस ना हो. अभी हमारे पास सिर्फ वो 20 मिनट्स गैप होता है फॉर द नमाज, जिसमें हमने सारी बातें भी करनी होती हैं और वो, लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन बहुत अच्छी काफी फॉर सम रीजन बहुत अच्छी जेल इन बहुत अच्छे से हो गई और बहुत अच्छी एफिलिएशन डेवलप हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह. आई मीन दैट्स गुड टू नो. लाइक आई थिंक दैट दैट्स वन थिंग वी एक्चुअली वांटेड टू अचीव विद नसीहा. लाइक आई थिंक द प्रोग्राम, नॉट दैट हम उसके एकेडमिक रिगर को वैल्यू नहीं करते, बट इट वॉज टू गिव यू गाइज यू नो मतलब हमारे लिए भी टू बी ऑनेस्ट मतलब मेरे लिए खुद नसीहा वो एक एस्केप है. एंड यू नो इट्स अ प्लेस वेर यू कैन यू नो फॉल बैक ऑन. एंड आजकल के दौर में जस्ट टू हैव दिस प्लेस वेर यू नो आप कहो कि हाँ यार मैं यहाँ कुछ दीन का काम हो रहा है, साथ में दोस्ती भी है, खाना पीना भी चल रहा है, एंड दैट्स समथिंग वी वॉन्टेड कि आप लोग का बैच उस तरह कर सके या सारे बैचेज जो हैं उनके लिए ये एक सोशल लाइफ भी बन जाए उनकी, उनका जो है ना पास टाइम भी यही हो. I think that's great, inshallah. अच्छा, एक value addition की मैं बात करता हूँ कि जो नसिया ने हमारी लाइफ में किया, आप कराची हमारे सब गए थे, तो वो जो एक कराची का एक्सपीरियंस था, हम इनस्लेव तो चले एक कॉन्फ्रेंस कवर करने गए थे कि हमने वहाँ पे हम इनवाइट किया हुआ था सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो हम मदारिस विजिट किए, आप एक्सपीरियंस खुद बताओ कैसा था. नहीं वो यानी उससे पहले तो हम मेरी नज़र में यानी मैं 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए मदरसा वो जगह थी जो मैं अगर JTR या हम दूसरे जितने दारुल उलूम गए थे वो सारी इनकी बात करें तो शायद वो दुनिया से बहुत पीछे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ, और टेक्नोलॉजी का उनको शायद कुछ पता ही नहीं होगा. लाइब्रेरीज उनकी ऐसी होंगी जैसे आज से 100-200 साल पुरानी होंगी, लेकिन लिटरली जब हमने जाके वहाँ देखा तो हमारी आप ये हमारे साथ है, आप शायद नहीं थे उस वक्त, हम लोगों की नहीं आप थे, लेकिन हमारी डिस्कशन हमारी हुई थी जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये मतलब व्हाट इज दिस मैन. उससे पहले मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था टू लाइक मदरसा वगैरह, उससे पहले मेरा यही था कि यार ये लोग हाफिज बनाते होंगे, आलिम बनाते होंगे, लेकिन वहाँ पे JTR में स्पेशली जाके ब्रिजिंग द गैप यानी वाकई ब्रिज किया उलमा और हम लोगों के दरमियान कि हमें कनेक्शन फील हो. आज के पहले किसी ने नहीं किया था, आज से पहले किया था, बट इस तरीके से वैल्यू हम एक्चुअली अपने जो ट्रेडिशनल उलूम पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम क्यों वैल्यू नहीं करते. आई टेल यू दिस, दिस इज द ओनली एजुकेशन दैट्स बीइंग एक्सपोर्टेड एक्चुअली. पूरे दुनिया में आपको बरेसगीर के उलमा मिलेंगे हर जगह, आप US UK कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, यू विल फाइंड सो मैनी बरेसगीर के उलमा as opposed to how many you know मतलब how many professors has Lum sent abroad you know. तो वो उस तरह अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक्चुअली लुक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान. हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और उलमा बिकॉज इतने सारे हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना डिस्कनेक्ट है तो हम उनको वैल्यू नहीं करते, चाहे जो भी यू नो. हाँ देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ मतलब दे कैन प्रॉबली इम्प्रूव एज वेल इन 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 ब्रिजिंग द गैप विद द अवाम, बट टू बी ऑनेस्ट पूरी दुनिया उनके उस ट्रेडिशनल उलूम की ग्रिप को और उसके रसूख को वैल्यू करती है, बहुत ज्यादा वैल्यू करती है. लाइक उनको होता है कि यार आप लोग तो एक इल्म के, अभी जब वो शेख हमजा वगैरह आए हुए थे, शेख हैसम आए हुए थे, तो देवर लाइक यार यू हैव एवरीथिंग इन पाकिस्तान टेक्निकली दीन के काम के लिहाज से. खैर हारिस, मुझे लग रहा है आपका जो है वो टाइम कोड खत्म हो गया, ठीक है, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर द शॉर्ट व्हाइल एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट. मिस्टर रईस, क्या हाल है आपके, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. रईस जो है ना, मैं कभी जान ही नहीं सका रईस को, सही बता रहा हूँ. मैं जान गया हूँ रईस को, दूर से ये टोपी नजर आती है, ये टोपी कभी नहीं चेंज हुई यार जिंदगी में. वैसे बहुत प्यारी टोपी है यार, ये टोपी काफी पुरानी इसकी है. स्टोरी वैसे सुन रहे हैं तो इसकी स्टोरी तक आफ है भी, मतलब मैं इसको काफी यूज कर चुका हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं करता इसको, और सूट भी काफी करती है अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं माशाल्लाह. नहीं क्या है, कहाँ की है?
ये यही की है, एक लोकली ली हुई है, लेकिन वो बस अटैचमेंट हो जाती है ना कि आपकी शुरू एक ही आपके पास नहीं और भी है लेकिन एक जो पुरानी वाकियत नहीं एक ही हो जाए लेकिन एक जो पुरानी ताल्लुक वाली होती है ना कि जिस पे आप चेंज डेज से आपने पहनना शुरू की थी तो वो तब से चल रही है संभाली हुई अभी तक चारी का रंग वैसे खराब हो गया हां लेकिन आपकी विरासत में जाने वाली आगे बुजुर्गों की नहीं वो इमामे और टोपियां होती हैं बाद में लोग देखेंगे तो रईसुल मुमिनीन की जाएगी आगे टोपी स्पिरिचुअल कनेक्शन है इससे तो इसलिए सो भी अच्छा रईस लाइक मैं हर दफा सोचता हूँ कि आई थिंक आप पहले आईएसडी जो हमारा वन ईयर प्रोग्राम है उसमें भी होते थे पहले आपकी तो बहुत पुराना एक जर्नी है विद लाइक इवन बिफोर नसिया फॉर्मली सेटअप हुआ था मैं सलान भाई को बिफोर नसिया जानता था अच्छा मतलब उनके साथ पहली दफा इत्तेकाफ में बैठा था विद मुफ्ती कमालुद्दीन साहब तो दैट वाज इन आई थिंक 2016 से पहले तो वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था तो उस टाइम लम्स से ग्रेजुएशन के बाद आया तो मैं तो What batch are you lumps? 2015 तो 2016 में मैं आया तो मैं तो देख के परेशान हो गया कि यार ये तो कुछ मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे थे तब वो पहनते भी सिर्फ वाइट वो जुब्बा और वाइट इमामा मैंने कहा ये कौन सी मखलूक है भाई तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था वहाँ से असलान भाई से थोड़ा ताल्लुक बना दोस्ती हुई तो फिर कुछ साल इत्तेकाफ पे बैठता रहा तो जब नसिया बना तो असलान भाई का काफ़ी उस पर था कि एएसएल ज्वाइन करो एएसएल ज्वाइन करो वन ईयर कोर्स भी किया नसिया के साथ तो कह सकते हैं कि नसिया के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना वो यू बीन हियर अ व्हाइल लाइक आई नो कि आप काफी टाइम से नसिया से जुड़े हुए हैं बयान पे पहले आते थे तो उसके बाद वन ईयर कोर्स किया लेकिन वहां पे असलान भाई का बहुत फोकस था एएसएल करो एएसएल करो व्हिच ईयर वाज दिस वन ईयर कोर्स ये आपने किस साल में किया था एसेंशियल्स की बात कर रहे हैं ये एसेंशियल्स आपने जिसमें आपने सीरा पढ़ाई थी व्हिच इज 2019-20 बेसमेंट में हुआ था ये वाई ब्लॉक की DHA में अच्छा नहीं दैट्स सेकंड ठीक है एसेंशियल ही था ना पोस्ट कोविड इवन आपने उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब अरबी भी पढ़ाई थी हमें अच्छा वो वाला बैच अल्लाह माफ करे ओए होए यार बहुत मैंने तो आपसे कोविड में ऑनलाइन अरबी पढ़ी अच्छा आपने वो भी पढ़ी थी मुझे बहुत मजे की लगी थी वो वाली अरबी बस वो एक ही बार आपने अरबी ना एक बार पढ़ी वैसे उसकी बहुत तारीफ मैं उसकी बहुत तारीफ से सुनी होगी नहीं नहीं बहुत सारी मैंने एसेंशियल में पढ़ाई थी यकीन करो इट वाज इतना वो एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था एज अ टीचर बच्चे आते थे बैठे हुए होते असल थे में वो किसी को समझ नहीं आ रही होती थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही होती थी वो बच्चे थोड़े उसमें ना परेशान हो आई थिंक वंस अ वीक इज वेरी टफ लाइक उसमें अरबिक आप ग्रिप ले सकें लेकिन आपने जो कोविड में ऑनलाइन कराई थी उसको बेहतर था आई थिंक वो उसमें होमवर्क भी होता था मेरे अभी तक जो बेस बनी थी ना उसमें क्योंकि आपने मैंने चुन चुन के आज लड़के बुलाए हैं हारिस इब्राहिम अलैहि सलाम की सीरीज रईस ने कहा ये अरबी मैंने अगला मैंने चुन चुन के मैसेज किया वो जरा क्लासिकल तरीके से नहीं था तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके ना बच्चों के लिए इजी तो आई वुड लव टू टीच अरबिक बट मैं उसमें बहुत सारी चीजें अब चेंज करना चाहूंगा बट खैर अब तो खैर आप लोग ही पढ़ाएंगे मुझे लग रहा है जिस तरह आप लोग अरबिक में जो देखा जाए तो हाँ जब हम आए थे और अब 3 साल बाद दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बहुत कुछ चेंज हो चुका है और जैसे उस्ताद आ रहे हैं जो कौन से उस्ताद हैं उनका नाम अब्दुल कदीर खान साहब तो वो तो लेवल ही अलग है नहीं, नहीं, लेकिन जो सख्ती करते हैं दरवाजा बंद कर देते हैं हसन हसन सादिक साहब नहीं मैं किसी को बता रहा था कि अगर मैं सेल्फ पेस चलता क्योंकि एट टाइम्स आपको शैतान कहता है या खुद ही सीख लो अपने कंफर्ट जोन में रहो और मेरा ये बहुत हर्डल था मैं कंफर्ट जोन से आसानी से नहीं निकलता कि अपने बिजनेस को छोड़ूं या फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करूं नसीहा हूं हफ्ते में 12 आवर्स लेकिन जितनी मैंने एक साल में सीखी है मैं सेल्फ पेस कभी भी उतनी नहीं सीख सकता था इतनी गर्दाने में सेल्फ पेस कभी भी नहीं याद नहीं करता अरबी आप घर पे बैठ के इतनी आसानी से सीख इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि ये गैदरिंग के साथ आप बैठ के बार बार रिपीट करना पड़ता है फिर जाके कुछ उस्ताद का होना अकाउंटेबिलिटी होना टेस्ट होना एग्जाम होना इतनी गर्दाने में जितने 2 दिन पहले यू एक्सपेक्टिंग दिस मच अकाउंटेबिलिटी खैर आई स्टिल फील के हो ज्यादा हो सकती है बट वर यू नहीं मैंने आपने हाल ही से सवाल किया ना कि आप क्या ऐसी चीज है जो आपने अनएक्सपेक्टेड थी मैंने एक्सपेक्टिंग की थी मैंने तो और कहीं हमारे साथी शुरू में इसी वजह से शायद चले गए यहाँ से क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते बस हम आएंगे सुनेंगे मतलब वो बस बयान वाली फील होगी इतनी अकाउंटेबिलिटी लेकिन मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि प्रॉपर चेकिंग हो रही है टीएस है और एक अकाउंटेबिलिटी ग्रेड्स लग रहे हैं एग्जाम अच्छे गए एग्जाम्स अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द अनोमली अबाउट रईस मुझे लिटरली लगता है खैर मैं ऑब्वियसली हफ्ते में एक ही दिन पढ़ा रहा होता हूँ मुझे लगता है कि रईस एक तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मैं सच बता रहा हूँ देयर आर 2-3 किड्स इन क्लास मुझे रईस लग रहा था रईस बिल्कुल कह रहा होता है मैं बस खत्म करो बस ये अब 10 बज गए रात के मैंने घर जाना है मेरे बीवी बच्चे रईस भाई क्या मगर इसके हमेशा नंबर अच्छे आते हैं लाइक आई थिंक देयर इज वन थिंग आई थिंक यू हैव डन वेल दिस टाइम एज वेल थोड़ा सा मैं आपको प्रीएम्प्ट कर रहा हूं बस वो थोड़ा सा नहीं बट डू यू गिव टाइम एट होम लाइक डू यू स्टडी एट होम
हाँ एग्जाम, मैं ये करता हूँ कि एग्जाम से पहले ना आप प्रॉपर टाइम दे दें, बेशक आप बाकी सेमेस्टर उस तरह नहीं दे पा रहे, उसमें कुछ दिन अगर आप एग्जाम से पहले दे देना, जैसे मोइन भाई भी हमें बताते हैं कि इवन दरस निज़ामी के एग्जाम्स में वो कहते हैं कि प्रॉपर एग्जाम से पहले मैं बैठ जाता था और प्रॉपर टाइम दे, अगर आप एक दो दिन भी दे दें तो आप इतने मतलब थोड़ा सा ये कि फिर हमें वो गिल्ट होता है कि यार कि जो इल्म हमें मिल रहा है यहाँ पे बयान भी उसके ऊपर कि उसकी मतलब कदर करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस मैं गुजारू ना नसीहा को कि मैं चार साल यहाँ से एसएल कर जाऊँ, आता मुझे कुछ ना हो तो वो मतलब उसकी कुछ कदर तो करनी चाहिए ना, अगर उस्ताद इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं कि मुझे कुछ भी ना आता हो, तो अगर आप कुछ दिन, तो एक ट्रैप मुझे याद है जब मैं यहाँ पे एडमिशन्स के लिए आया, यासीन भाई बैठे हुए थे और असलान भी बैठे हुए थे, इंटरव्यू तो, जब हो रहा था, हाँ इंटरव्यू हो रहा था, अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आउट ऑफ क्लास बिल्कुल टाइम नहीं दे सकूंगा, तो मोइन साहब ने तो चिक दिया होगा, नहीं असलान भाई थे सिर्फ और यासीन भाई साथ बैठे हुए थे, तो हम तो गेरू मूड में होते हैं, तो असलान भाई ने जिस तरह मुझे देखा उन्होंने कहा रईस का तो इश्यू यही है कि तो बस बच्चों की वजह से और दूर से कहने लगे और बिजनेस की वजह से, हाँ इसको तो बस बच्चों की वजह से डर रहा है और इस तरह वगैरह, तो वो उन्होंने मुझे कहा बस तुम तीन दिन क्लास में आ जाओ, चार दिन भी ना, तीन दिन क्लास के अंदर आ जाना बस, और कुछ भी नहीं करना, आप इतने तो वो इतना बड़ा वो जो मार्केटिंग वो इनका वो था ना कि और लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आपको स्पेशली अरबी के लिए आउट ऑफ क्लास टाइम देना होता है, उसके बगैर लैंग्वेज आपको आ नहीं सकती, तो ऐसे अभी आप रेगुलर है ना, लेकिन अटेंडेंस मेरी उस तरह 100% नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बस अल्लाह ने इतना ज़हीन बनाया नहीं 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 ज़रूरत नहीं पड़ी कभी सोचने की ज़्यादा नहीं नहीं वो मैं आता हूँ डायरेक्ट ऑफिस से तो कभी वहाँ पे लेट हो जाए तो पहली क्लास वो फिर पता है बाहर बिठा देंगे तो आसान आसान है तो आर्मी वाला थोड़ा सा बहुत खौफ फैला है तो हम भी डरते हैं, हमने पढ़ा नहीं आ सके, हम भी डरते हैं यार, वल्लाह ही अरबी ऐसी आएगी सही है, खैर वी हैव इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं अभी वैसे तो नहीं कह सकता बट वी हैव समबडी एल्स जॉइनिंग एज वेल, आई थिंक एक चीज़ में हम बहुत लकी हुए हैं कि अल्लाह ताला ने ना हमें टाइम टू टाइम जबरदस्त उलमा उस्ताद मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक तो जो डाइवर्सिटी एंड लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर दैट रीजन, मुझे जेन्युइनली लगता है कि जितनी डाइवर्सिटी है और जितनी आई थिंक ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट शोबों में, आई थिंक वल्लाहि हमने ना ये मांगा था हम ना ये प्लान था, बस अल्लाह ताला जोड़ते जा रहे हैं एंड बस अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र है, एंड इसकी आप लोगों को कदर होनी चाहिए, मुझे तो अभी खुद दिल करता है कि मैं बैठ जाऊं आप लोगों के साथ, बिकॉज़ समटाइम्स यू जस्ट फील लाइक, अच्छा मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ना, तो इस साल हमारे सारा कुरान की तफसीर चल रही है और उसमें आप ये सोचें कि ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सिर्फ कुरान की तफसीर में पहले डॉक्टर रशीद अरशद साहब आते हैं वो एक अलग टेंजेंट है, उसके बाद वो मौलाना जामी साहब आते हैं वो अलग टेंजेंट है, और उसके बाद आते हैं मुफ्ती अंसार साहब, तो डिफरेंट टेस्ट आ रहे होते हैं, मैं हैरान हूँ, यानी मेरे लिए तीन दिन ऐसे होते हैं कि मैं कहता हूँ बस इस दिन छुट्टी कर ही नहीं सकते, मगर मैं तब भी कर लेता हूँ एक कर ली होगी, लेकिन कॉफी पी के बस बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं मिस कर सकते, पहले एक वो खुल्फा राशिदीन वाला थोड़ा सीन ऑफ है उसमें थोड़ा सा बोर रहता हूँ मैं, लेकिन उसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे पे कह रहे हैं गलती होगी, अच्छा मेरा भी पर्सनली और जो यासीन भाई सामने बैठे हैं मैं इस वजह से नहीं कर रहा, लेकिन कुरान तफसीर मतलब वो एक ऑब्वियसली कुरान का एक जो लुत्फ है वो एक डिफरेंट लेवल का है, अभी तो आपने शुरू नहीं किया कुरान, नहीं नहीं हम कुरान तफसीर करेंगे वो, लेकिन जो यासीन साहब के साथ लास्ट पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ तो उसका एएसएल ज्वाइन करने का एक जो डायरेक्ट बेनिफिट ये है, अभी जब आप बकरा सूरह बकरा शुरू करेंगे ना, मैं कितना फारिग था, नहीं 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 फिर आपको मौलाना जामी साहब का जो टेस्ट मिलेगा, यानी आप कहेंगे उलमा और मौलवियों में भी ह्यूमर होती है यार, कमाल करते क्या होती है, ह्यूमर होती है, अच्छा यानी जब बात करते हैं तो एक मजा आता है, लेकिन मैं इस में करूं एएसएल का अगर डायरेक्ट बेनिफिट देखना हो ना आप, आफ्टर वन ईयर कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, मुझे लगा पता नहीं आपने नूर कहा, मैंने क्या कहा, मतलब कि उलमा में भी नूर होता है, उन्हीं में नूर है और किसमें नूर है यार, अच्छा तो वो आफ्टर वन ईयर आप पाकिस्तान में किसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हो ना, पाकिस्तान में लास्ट पारा ही डिसाइड होता है मोस्टली, तो आप कहते हो यार ये तो मुझे आयत आती है, ये तो मुझे कुरान उतर है, समझ आ रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट है एएसएल का, जो कोई साथी मारे होते हैं थोड़े से वीक हो जाते हैं यार क्या करें छोड़ दें, मैंने कहा यार आपको ये पूरी जिंदगी तुमने इतना कुरान ही समझा था जितना तुमने एक साल में एएसएल में, सही बात है बिल्कुल ऐसी, और जब वो कुरान रिसाइट हो रहा था फजर के वक्त मगरब के वक्त वो दिल में उतर होता है आपको, उस वक्त एएसएल नमाज़ें बदल जाती हैं आपकी, आपको कदर आती है यार कि यार इस मेहनत का फायदा आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है, एक आपसे मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछना है क्योंकि शेर खान से मैं अनफॉर्चुनेटली पूछ नहीं सकता, How difficult is it with like family and kids? Like because obviously आप अपना business भी कर रहे हैं, family को भी time दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह मुझे तो जो है ना बच्चे भी हैं छोटे हैं right तो
इन टर्म्स ऑफ, एक तो होता है ना बंदा जज्बात में स्टार्ट कर देता है, एंड आई थिंक दीज आर डिसीजंस दैट यू टेक, दीज आर इमोशनल डिसीजंस, कि बंदा जो है ना बस एक दिन डिसाइड करे कि यार मैंने ये अल्लाह के लिए करना है, अपने लिए करना है, आखिरत के लिए करना है, बट देन द रियलिटी हिट्स. फोर डेज अ वीक वी स्टार्ट, पहला सेमेस्टर 3 था, फिर अब वो 4 डेज हुआ, रात को 3 घंटे देना. तो किस तरह आप, मतलब इज इट डिफिकल्ट, कुछ वही चल रहा होता है फायर फाइटिंग? नहीं, इस पे अगर आपकी, ऑल्दो मेरी वाइफ भी शायद अलग रहे पॉडकास्ट देखे, अगर वाइफ सपोर्टिव है ना तो फिर बहुत अच्छा सीन है, गुड सीन है, क्योंकि मैं ज्वाइन करने से पहले उसको 10-20 दफा मैंने कहा सोच लो, देख लो, मैं लेट आऊंगा, टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे हिम्मत नहीं होगी आगे बच्चे, तब मैं खेला. प्लेटफॉर्म बनाया आपने पहले? मैंने कहा तुम, फिर मैंने उस स्टोरी उसको आखिरत भी दिखाई कि देखो तुम जितना इल्म मैं हासिल करूंगा तुम्हें भी अजर मिलेगा. अच्छा, डरा भी दिया साथ? नहीं, डराया नहीं, इसने कहा कि, एंड आई थिंक इट्स ट्रू, राइट, कि व्हाटएवर सैक्रिफाइस शी इज मेकिंग, अगर वो बच्चों को अकेले संभाल रही है उसको तुम्हें अजर मिलेगा बेशक मैं यहां पे हूं. तो वो उस लिहाज से, मतलब शी हैज बीन सपोर्टिव, कि अगर मैं लेट आ रहा हूं तो, ऑल्दो कॉम्प्रोमाइज होता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होता, लेकिन असलान भी कहते हैं आप जंप कर लेते हैं और चीज अल्लाह ताला फिर मैनेज करता है. अगर आप अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए, आपके लिए आसानी करता है, मैनेज करता है, तो कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है. तो थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड्स मिल जाते हैं, तो बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं फिर. लेकिन ये होता है कि जब आप नसीहा आ गए और यहाँ पे आप 4 आते दे रहे हैं, तो जो दोस्तों के साथ हैंग आउट्स और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर रहे थे वो तो माइनस ही होगी, क्योंकि बाकी 3 नाइट्स बची हैं, वो भी अगर आपने घर में नहीं देनी, फैमिली में नहीं देनी, तो फिर तो आप घर से बाहर निकाले जाओगे ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से बैलेंस हो गया था. थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आसान हो जाता है, अल्लाह ताला आसानी कर देता है. वीकेंड्स इनफ होते हैं यार, उससे ज्यादा क्या टाइम देना फैमिली को, बस सही है. ये पूछेंगे आपसे इंशाल्लाह, आपसे अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया हम क्या, तो आपसे पूछने का मौका मिलेगा, वरना कोई नहीं जो है ना. खैर, मुझे लग रहा है आपने जितने पैसे दिए थे वो पूरे हो गए, तो अब आप जा सकते हैं. बहुत जज़ाकअल्लाह फॉर जॉइनिंग, आई नो कि आप बिजी थे. जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर लास्ट कंटेस्टेंट. अब लास्ट एंड फाइनल कंटेस्टेंट, इसकी जर्नी टू नसीहा पूछनी है ना. इसकी क्या जर्नी टू नसीहा है, पूछ ले यार. क्या मजे की है, मतलब इंटरेस्टिंग. अच्छा, करेगा तैयार करके आगे कर लो, माइक कर लो. अच्छा, तो हाशिर आपकी फिर अरबी, किस तरह अरबी में, अरबी पॉडकास्ट. हाँ, अरबी फिर मैं चले जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आने वाला इसलिए. ठीक है, अनाना हनु. तो खैर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आप फिर कैसे, आप नसीहा है हाशिर, और क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए आप? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही. अच्छा, तो एक्चुअली इट वाज लाइक एतिकाफ से जो है ना, वो मैंने अक्सर, शेख हसन भी कहते हैं कि एतिकाफ से इंसान की काफ़ी ज़िंदगी चेंज होती है. वो पिछले दिन का वो मैं स्टेटस भी देख रहा था कि 2 सफ़र ऐसा कोई सफ़र नहीं, मतलब उस तरह का. तो एतिकाफ वाज लाइक, मैं एतिकाफ में था और उस वक्त मेरे दुआएं चल रही थी, अल्लाह मेरा एमडी कैट क्लियर हो. दिस इज लास्ट रमज़ान, लास्ट से लास्ट रमज़ान, जब मैंने मेरे गैप ईयर से भी पहले. अच्छा, तो मैं FSC के एग्जाम्स दिए थे कि अल्लाह टॉप करा दें, टॉप करा दें, टॉप करा दें, मतलब दुनियावी दुआएं. और एतिकाफ की नीयत कुल जो है ना वो वही थी कि FSC में टॉप कर जाऊं और जो है फॉर एग्जांपल मैं MD कैट में क्लियर हो जाए. तो मैं दुआएं कर रहा हूं, दुआएं कर रहा हूं. अच्छा, अब मुझे आखिरी जो है ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 27वीं की रात में, मतलब जो होती है ना, मेरा भाई आया, कहता है कि मस्जिद में ना इफ्तारी देने आया. तो मुझे कहता है कि अरे मुझे बड़ा जेंगो बंदा मिला. तो मैंने कहा कौन जेंगो मिला? अब जेंगो, अब मुझे नहीं पता कि जेंगो बंदा कौन है, लेकिन मतलब ये एक जेंगो का मतलब पता था मुझे, वो भी नहीं पता था, लेकिन मतलब बहुत जेंगो बंदा मिला. और मतलब ही इज लाइक, इस्लामाबाद में होता है वो, तो वो कहता है मुझे बड़ा जेंगो मिला. वो वहां पढ़ता था बुरहान में, मुफ्ती अदनान का. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने दुआ ये की मैंने, कि मतलब वो आखिरी दिन में आप स्पिरिचुअली काफ़ी इनलाइटन हो जाते हैं. मैंने कहा बस ज़िंदगी ना सुकून दे दें, मतलब 2 साल मैंने इतना रगड़ के पढ़ा, इतना ज़्यादा मैं बहुत पढ़ता था FSC के टाइम. खैर, रिजल्ट आया, मैंने टॉप कर दिया, अब ना वो टॉप हो गया सब कुछ, मुबारक. उसके बाद मैंने मैंने MD कैट भी टॉप करता है, इसकी मुबारकबाद. बिल्कुल भी यहाँ टॉप नहीं करता है, बिल्कुल करीब भी नहीं है ये टॉप के अभी. शर्म का मकाम है यार. नहीं नहीं, इंशाल्लाह जैसे लोग टॉप नहीं करेंगे तो कौन करेगा. मैं हमेशा इसके रिजल्ट से परेशान होता हूँ कि क्यों, एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये लेगा. चलो खैर, तो फिर मैंने MD कैट दिया, NAMS दी और AMC, आर्मी मेडिकल कॉलेज. तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हो गए. पहले NMD कैट में थोड़े कम थे, लेकिन बाद में वो ज़्यादा हुए. खैर, तब तक मैं निकल चुका था एक और सफ़र पे, 4 माह पे. अब वो 4 माह की स्टोरी ये थी, मैं 30 दिन के लिए गया था. घर में कहा था मैं 30 दिन के लिए जा रहा हूँ, सब कहते हैं ठीक है, मार्क्स भी अच्छे आ गए, MD कैट भी हो गए, चले जाओ. अब जब मैं 30 दिन के लिए गया, मैंने कहा चिजा तो होना चाहिए. मैं चिजा लगाया, जब चिजा लगाया मैंने कहा यार 4 माह तो होने चाहिए. तो मैं 4 माह पर निकल गया. अब क्योंकि अब डेट्स आगे पीछे हो रही थी, तो मैं निकल गया.
अब उसके बाद जब लाइक नम्स का जो मेरिट आया तो आई वाज माय एग्रीगेट वाज लाइक 96.5 समथिंग. अब ये मैंने घर में नहीं बताया, शायद ये पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे. 96.5 आई डोंट थिंक आपके घर वाले समथिंग मेरा नम्स का एग्रीगेट था. तो मतलब वहाँ पे एडमिशन हो जाता आराम से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में. तो मैंने वो मेरिट लिस्ट वहीं पर, मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं जाना. अब वहाँ पे इल्म की जर्नी शुरू हुई थी. एक वहाँ के अमीर साहब थे वो हरिपुर के, वो मुझे कहते बेटा तुम इल्म करो, तुम इल्म करो. तो मतलब मैं जब बयान करता वो मुझे कहते थे मतलब और सब कुछ कुछ और कह रहे थे. ये कहते थे क्या ही मजा आता अगर आप कहते काजा काजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैंने वो मतलब पढ़ गए, तुम्हारे पढ़ने का सवाब उनको पहुंच रहे. ऑब्वियसली मैं वही आपको बता रहा हूँ कि लोगों की दुआएं और मेहनत कितनी. अच्छा मैं सरगोधा मेरी तश्कील हुई, वो वहाँ गाड़ी देके पहुंच गए. क्या ही मजा हो अगर आप कहें काजा काजा. मैं मेरी हरिपुर तश्कील हुई, हरिपुर पहुंच गए. मैं लाहौर में था, वो लाहौर मतलब वो हरिपुर के हैं मतलब अटक के, वो उधर आ रहे हैं. एक ही जगह मुझे कह रहे हैं मैं बहुत दुआएं करता हूँ प्लीज आप जो है ना इल्म में जाएं. और मैं आमीन कहने से डरता था, मैंने कहा मौलवी ना बन जाऊंगा. मतलब होता है ना आपको कोई कहे जाता है मैं मौलवी बने और आप कहोगे नहीं नहीं यार क्या हो गया अभी तो नहीं अभी नहीं अभी तो मतलब अभी तो मैं छोटा हूँ. हाँ तो फिर वहां से जहन चेंज हो गया कि नहीं मेडिकल में नहीं जाना और इल्म करना है. अब इल्म करने में मुझे ये पता था कि मतलब सेकंड तारीख जमी साहब तो नहीं बनना कि मैं कह दूँ नहीं नहीं बस मैं रायबंड जा रहा हूँ. ठीक है मैंने कहा कि यार साथ में कुछ पढ़ना चाहिए और वरना घर वाले नहीं छोड़ेंगे. फिर उसके बाद वो जेंगो बंदे की क्यूरोसिटी ख़त्म हुई मेरे चार माह के बाद शेख अरसलान. ठीक है वो इस्लामाबाद में अरसलान साहब शेख वो वीडियो देखता था ना बासित. अच्छा 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 दुरुस्त जिंदगी उनकी चल रही थी. तो उन्होंने उसने मुझे वो दिखाई कि ये है वो जेंगो बंदा. मैंने कहा ठीक है. फिर उस वक्त उन्होंने एक उसमें कहा था कि वी आर स्टार्टिंग एएसएल और वो चार साल का होगा और वो ऐसे है वो ये होगा एंड यू कैन डू मतलब आप प्रोफेशनली भी अपना काम कर सकते हो. तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है. फिर मैंने कॉल किया अरसलान अयूब भाई को. अब वो अरसलान लिखा हुआ था, मैंने सोचा शेख अरसलान मतलब ये बहुत ही मतलब कि अपना नंबर जो है ना ये ऐसे कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता हाँ, मैंने कॉल की तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैं अरसलान बात कर रहा हूँ. तो मैंने कहा आप शेख अरसलान बात कर रहे हैं? कहते हैं नहीं नहीं वो उसने कहा वो कहते हैं कि नहीं वो अरसलान अहमद है मैं अरसलान अयूब हूँ. तो मैंने कहा अच्छा मैंने काट दिया. मैंने कहा कि जी मैं एएसएल ज्वाइन करना चाहता हूँ. तो उन्हें ठीक है. मैंने कहा लेकिन मैं लकी मरवत से हूँ पिशावर की साइड और मुझे वहाँ आना पड़ेगा और मतलब वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा. तो वो कहते हैं यार ये तो रेयर केस है मतलब जो आते हैं हमारे पास लाहौर के आते हैं जो लड़के यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो जो पढ़ रहे होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल आते हैं. तो मैंने कहा कि नहीं अब मुझे तो आना है. तो उन्होंने कहा कि चले मैं शेख अरसलान से डिस्कस करूँगा. फिर मैंने उससे पूछा कि प्लीज़ आप मुझे ये बता दें कि मैनेज हो जाता है. तो वो कहते हैं कि यार मैं मेरी शादी भी है मेरे बच्चे भी हैं मैं पढ़ता भी हूँ मैं मैनेज फेल कर रहा हूँ मैं मैनेज भी कर रहा हूँ. तो कहते हैं ऑनलाइन बोल दिया भाई. तो कहते हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. मैंने कहा चलो ठीक है. तो मुझे आज भी याद है मुझे भाई ने पैसे दिए घर वालों को. मतलब अब घर वाले नहीं पता कि ये एक और नया रुख है कि एमबीबीएस नहीं करना चाह रहा ये ऐसा क्योंकि मैं बहुत पैशनेट था. तो भाई ने मुझे 15,000 समथिंग दिए कि जाओ चले जाओ एक बार देख लो सारा क्योंकि उसको पसंद आ गया था. अच्छा उसने मुझे बहुत मजे की बात की. उसने कहा कि कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं करता कि आपको कहता है कि आ जाओ देख लो क्लासे देख लो. आप भी थे ना याद कि मुझे क्लासे देख लो यहाँ रह लो हम यूनिवर्सिटी घूमेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी पसंद करेंगे. शेख अरसलान ने मुझे खुद कहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी पसंद करेंगे. याद है मुझे याद है जब तुम आगे बैठे यूनिवर्सिटी देख लो मतलब उसके साथ जो. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं गया आप याद है वो आपने ही मुझे ड्रॉप किया था शेख अरसलान के घर रात को. तो मैंने क्लासे दी उधर गया उन्होंने रात को स्टे कराया. मैं जैसे स्टे किया ना मैंने कहा ये ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल नहीं है एक बार हो गया था ऐसा ये नहीं है कि सब वही रेयर केस. तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह घुमाया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह और सीएम एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. एंड लाइक मैं हमेशा लाइक जब मुझे पता भी चला था ना कि बिकॉज हमारे लिए बस एक था कि अरसलान अयूब ने बताया कि एक बंदा है वो लकी मरवत से आ रहा है. तो हम भी पहले मैंने कहा होगा एजेंट ही होगा कहीं का भाई. मुझे ना मुझे एक्चुअली वो मुझे लग रहा था कि इसका कहीं लाहौर में एडमिशन हुआ है. हाँ मुझे भी जिसकी वजह से वो लाहौर आ रहा है. ही वांट्स टू डू इल्म तो उसने गूगल किया होगा तो उसको नसीहा मिल गया होगा. बट देन व्हेन ही केम आई थिंक आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेड कि आप लाहौर आ क्यों रहे हो. तो आपने कहा मैं तो नसीहा के लिए आ रहा हूँ. तो मैंने कहा क्या नसीहा के लिए क्यों आ रहा है. एंड देन व्हेन यू सेड कि नहीं मैं जेन्युइनली एआईएसएल पढ़ने के लिए आ रहा हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा. आई थिंक वाज द फर्स्ट एंड यू नो मे अल्लाह ताला एक्सेप्ट योर कुर्बानी. But because I think एक चीज़ with you when you were coming, तो I remember I think I was saying that to Arslan saab or someone. मैं कह रहा था कि उससे हमारे भी एक प्रेशर होता है कि एक बंदा अपना शहर छोड़ के आ रहा है. अपना एक करियर का प्लान था आपने चेंज किया एंड यू नो वंस अगेन आपकी पर्सनल चॉइस थी. तो एक प्रेशर हम पे भी होता है कि यार विल वी बी एबल टू यू नो डिलीवर. एंड आई थिंक इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर मैंने तो उसको हज़ार बार मशवरा दिया है कि
यू नो मतलब आप अगर फॉर्मल इल्म पढ़ना चाहते हो बिकॉज हम ऑब्वियसली दरस निज़ाम ही नहीं करवा रहे, एक रिगर है बट इट्स कंडेंस्ड ऑब्वियसली एंड इट इज आई डोंट कंपेयर इट टू द दरस निज़ामी इन द मार्केट एनी वे, वो इट्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड उसमें उसका मकसद भी शायद फ़र्क है. तो आई ऑलवेज आस्क यू के एंड आई थिंक मैंने हारिस को ये पूछा था कि वॉज इट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग, वॉज इट मोर, वॉज इट लेस, एंड लाइक वॉट डिड यू एक्सपेक्ट? बिकॉज एक तो है ना कि आपने अरसलान साहब के बयान सुने हुए हूँ बट देन टू कम फॉर्मली सिट इन क्लास, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड असल में जो मैं मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर से मुझे किसी ने बहीना का सब्सक्रिप्शन दे दिया था. अब हम पाकिस्तानी लोग हैं, मुफ्त चीज मिल जाए तो बस हम कहते हैं चलो ठीक है. तो मुफ्त तो इंग्लिश में वो बंदा कहता है तो मैंने वहां से किया था अरेबिक विद हुस्ना. मैंने वो सारा जो है ना वो अरेबिक विद हुस्ना मतलब मैं करता रहा था साथ में उनकी जो ये एक्चुअली उस्ताद लगने आ रहा था इसको, हमने कहा कि आप जो है ना अब आप पहले पढ़ लें थोड़ा. तो मैंने फिर वो डीपर लुक उनके साथ, तो मतलब कुरान के साथ जो एक बॉन्डिंग थी ना मेरी वो काफी ज्यादा हो गई थी. तो मतलब मेरा मुझे नहीं पता ये सही चीज़ है या नहीं, तो मेरी एक चीज़ बन गई थी कि यार अगर मैं स्टडीज़ के साथ मुकम्मल इल्म नहीं कर सकता, ऑब्वियसली वो एक आपको ज़िंदगी देनी है और अगर आप एक्सेल करना चाहते हो इतना हो जाए कि मुझे कुरान जब मैं सुनूं तो मुझे फील हो, लाइक जो फॉर एग्जांपल नुमान अली खान साहब या जितने भी लोग कुरान की मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे मैंने कह चाह रहा था कि और चार साल में एएसएल में आप एक चीज़ मैं खुद अपने आप को एक कमी है जो मैं वो करता हूँ कि मैं अरेबिक कुरान इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, लाइक एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स टू कुरान. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हदीस कनेक्ट हो रही है ना, हाँ मतलब समझने में मदद देगी, हदीस को भी मेहनत से पढ़ा. और ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं ना कि यार मतलब ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन असान साहब का ना वो कोर्स था उसमें मेरा बी आया था, मुझे अभी भी दुख है यार मतलब ए सब में ए था उसमें बी, क्योंकि तो मतलब पढ़ा भी इस तरह था कि बस हाँ ठीक है पेपर देना है हो जाएगा, मेहनत उस तरह नहीं की. असल में मसला ये कि आप बीएनयू में नहीं पढ़ते, यही कोर्स है समझना नहीं, लेकिन आप फिकह दावा जो है ना उनका वो बहुत अमेजिंग था, नहीं वो तो लेकिन फिर वो कुरान से कनेक्टेड है ना थोड़ा सा, असल तो असल कुरान है, असल तो कुरान. तो उस वजह से फिर मैंने जब यहाँ में आया तो मुझे ये था कि चार साल एक आपकी फाउंडेशन बन जाए, एक अच्छा माहौल बन जाए, क्योंकि एक चीज़ से जो मुझे हमेशा से डर लगता था, और क्योंकि हमारे इलाका भी ऐसा है कि जब आप कहते हो कि मैंने सेल्फ स्टडी करनी है तो मतलब मुझे आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि यार नहीं उस्ताद होना चाहिए आपको, मतलब कहीं भी मसला पेश होता है कहीं भी आप मतलब कोई फिकी एतबार से कोई, तो आपके उस्ताद इतने ज़्यादा. तो यहाँ पर आप अगर आप नसीहा में आते हो ना, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी उस्ताद से पढ़ भी नहीं रहे, जैसे हसन सादिक साहब जो है ना और जामे साहब वो मतलब पहले सेमेस्टर में हमें नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन स्टिल मैं उनके साथ कनेक्टेड था कि मैं ये कैसे कर लूँ, मैं ये कैसे कर लूँ, और मैं भी पढ़ जाता हूँ ना उस कि ये मैं कैसे कर लूँ. का एक ही लड़का था जो कनेक्टेड रहता था, जामे बहुत तंग किया उस्ताद, बहुत तंग किया, बट दैट्स अ गुड थिंग. लाइक आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक ये वो तीन चार साल हैं ये वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे. एंड इसमें आप जितना उस्तादों से आप यू नो अखज़ कर सकते हैं, यू नो वट एवर यू कैन स्क्वीज आउट, दिस इज द टाइम. एंड उसमें लाइक मुझे आई थिंक अ लॉन्ग टाइम गो आई थिंक समबडी सेड समथिंग वेरी स्मार्ट, आई डोंट नो किसका कॉल है, बट यू नो इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चंस यू वोंट लर्न एनीथिंग, राइट? एंड कभी कभार एंड आई थिंक स्पेशली बहुत दफ़ा ना इनसिक्योरिटी हो रही होती है, शर्म आ रही होती है कि यार मैं पूछ भी सूँ, इतना बेसिक है नहीं है, मैं 10 बार पूछूंगा, बट यही वो टाइम है. एंड आई थिंक द उस्ताद आर देयर फॉर दैट, एंड आई थिंक उस्ताद को बहुत अच्छा लगता है. खैर ये मैं उसको मजीद मैं उसको वो पंप कर रहा हूँ नहीं नहीं एक सर्टन लेवल तक उस्ताद को बहुत अच्छा लग रहा होता है जब आपसे कोई सवाल जेन्युइनली पूछ रहा हो, इवन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कोर्स एज वेल. इवन मैं आपको बताऊँ उस्ताद का मिजाज है यहाँ पे कि आपको पता लगता है कि ये वाहिद ऐसा सर्कल है जो अल्लाह के लिए कर रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल अब्दुल कदीर साहब, सबसे पहले जो उन्होंने मुझे लाहौर में पिक किया था, अब्दुल कदीर साहब अपने घर इजमीर टाउन जो सबसे पहले मैं आया था इजमीर टाउन में ठहरा. वहाँ पे मैं यहाँ लाहौर आया, अच्छा. तो फिर लाहौर से आपने उन्हें कहा था कि आपने उन्हें पिक करना, फिर मैंने कल को नसीहा आना था क्योंकि आई थिंक उस दिन ऑफ था नसीहा, संडे था समथिंग इस तरह का. तो मैं उधर गया, अब सोचे मेरा मैं स्टार्ट से मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि पहले साल मुझे किस चीज को फोकस करना चाहिए, ठीक है. अब गाड़ी उतरते ही तो मैं फिर किस चीज पे फोकस करूं, मतलब घर में दैट वाज द टाइम व्हेन अब्दुल कदीर सेड अस्सलाम वालेकुम. नहीं अब्दुल रहमान बिन औफ का वाक्य आता है ना कि उतरते के साथ ही ये मुझे पता मार्केट किधर है इल्म के लिए, तो वो मुझे कहते अब उनका नाम मिजाज. उनने मुझे कहा कि यार मैं एक चीज आपको बताऊंगा, पहले साल में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नहफ सर्फ नहाफ सर्फ ना. उन्होंने मुझे बहुत मजा, नहाफ के लिए आपको कुत्ते वाला जो है ना वो चाहिए, पता नहीं इस तरह कुछ वो सुनाया था, और सर्फ के लिए कुत्ते की तरह बस आपने जरा बस जरा बस जरा बू जरा बस जरा बता, और नहाफ के लिए आपको जो है ना मतलब एक बहुत अच्छा सहन चाहिए. तो वो उस तरह उन्होंने समझाया. अब खुद सोचें हसन सादिक साहब, मैं यहाँ से मिलता हूँ उनके घर गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने उनसे पूछा मैंने क्या करना है, उन्होंने कहा आप आ जाए मेरे पास, उन्होंने पूरा संडे मेरे साथ लगाया. मतलब आप खुद सोचिए कौन करता है, बहुत कि आपको एक संडे में जाए आपको कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप उन्हें कहते हैं आप आ जाए मेरे पास, आप मुझे खाना भी खिला रहे हैं, आप
ठीक है, और चाय भी पिला रहे हैं सब कुछ, और समझा भी रहे हैं, पिक भी कर रहे हैं, ड्रॉप भी कर रहे हैं, साथ में जो है ना सूट भी दे रहे हैं, और आप खुद सोचें यार ये वंस अगेन ये नसिया का मॉडल नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूं टू ऑल द पीपल लिसनिंग। अच्छा मतलब उस्ताद होंगे ना ये हाशिर की किस्मत है। हसन सादिक साहब मतलब मैंने एक रिसान अल कुरान अलग से स्टार्ट की थी तो मैंने वो कर रहा था, तो वो एक चीज जब मुकम्मल हुई तो मुझे याद है कि मैं लाइब्रेरी बैठा था, रिसान अल कुरान ही कर रहा था, मुझे मैसेज आता है कि हसन सादिक साहब का कि यार आपकी वो अरबिक कहाँ तक गई, ठीक है, मतलब कहाँ कोई लैग तो नहीं हो रहा आप, मतलब और मतलब पुश कर रहे होते हैं कि यार अब इबारत सॉल्व करने पे आ जाओ, मतलब ये हो गया है, रूल्स कितने पढ़ोगे, आपसे भी अक्सर बात होती है, आपको मुझे अभी भी डायलॉग याद है कि हाशिर कुछ रूल्स यही हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, कुछ रूल्स यही हैं, अब इसके बाद तमरीने हैं वो सारा, तो बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्ट करते हैं, लाइफ चेंजिंग। अगर एक वर्ड में आप नसीहा को डिस्क्राइब कर सकें वो क्या होगा? एक वर्ड, एक लाइन, एक वर्ड, वन वर्ड, सोहबत। अच्छा आउट ऑफ द डिग्री, लाइक एक तो है ना कि जो आपकी पढ़ाई हो रही थी एंड आपके एंड बिकॉज आई नो कि आप आपको इल्म का शौक है एंड आई रियलाइज कि आप आपकी जो एक जर्नी अपनी पर्सनल है वो है कि आप इल्म की लाइन में भी आगे जाएं मजीद पढ़ें एंड आई एम अज्यूमिंग लाइक आई इमेजिन यू समवन जो शायद बियॉन्ड द फोर ईयर प्रोग्राम पढ़ रहा होगा राइट बिकॉज दैट्स आई जस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ यू राइट नाउ मुझे लगता है बट अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज जो आपकी पढ़ाई थी और अरबी थी एंड ऑल ऑफ दैट था उसके अलावा आपको क्या चीज AISL से मिली जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइक दैट वाज समथिंग दैट यू डिड नॉट थिंक कि यार ऐसा भी होगा और ऐसा हुआ? अच्छा एक मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो स्पिरिचुअली जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना वो मैं आपको बता रहा हूँ वो तबलीग था ठीक है तो आप मतलब दावत पे होते हो तो वो सोबत ही ऐसी होती है कि आपको फॉर एग्जांपल तहज्जुद में कोई उठा रहा है ठीक है कि यार उठ जाओ दो नफल पढ़ लो चलो आओ गश्त पे चलते हैं वो सारा कुछ तो मुझे ये फील हो रहा था कि वो चीज़ शायद मैं मिस कर रहा हूँ कि मतलब वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे उस तरह कुछ लेकिन यहाँ पे आप खुद देखेंगे कि एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे हर बंदा बना बनाया नेक नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा फॉर एग्जांपल एक एक पीर है तो अगला बंदा बिल्कुल लो है हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है और आप हर बंदे से खुल के बात कर सकते हो फॉर एग्जांपल मतलब वियर्ड एग्जांपल है बट आप किसी को कह सकते हो यार ईमान लो हो गया अब्दुलरहमान से आपको मतलब उस दिन मैंने अब्दुलरहमान से कहा कि अब्दुलरहमान मेरा ना ईमान काफ़ी वीक हो गया तो उसने कहा कि बस एक सोल्यूशन है पूरा दिन शुक्र करते रहो कि अल्लाह जो ईमान बचा है बस आप कमाल है आपका और उसने कहा कि उस शेख अब्दुल रहमान और उसकी ये एक साल में जो पीर बन गए ना इतने सारे ये नसीहा ने सिखाया क्या? हाँ, तो वो एक वो चीज की बॉन्डिंग इतनी हो गई है कि आप अगर स्पिरिचुअली वीक हो आप अपने उस्ताद से कनेक्ट कर सकते हो कि मुझसे फॉर एग्जाम्पल आज ये गुना हो रहा है या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये करना चाह रहा हूँ तो उसमें वो आपको गाइड कर रहे होते हैं और आपको लेके चल रहे होते हैं और कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल वो शेख हसन की बात है वो हमेशा अपने बयान में कहते हैं कि हम किसी को अपना मुरीद नहीं बना रहे मतलब फॉर एग्जाम्पल ये होता है ना कि आप एक जगह पे जाके आप कहते हो बस यही दिन है यही रात है ये ईमान सब कुछ है नहीं आप फॉर एग्जाम्पल से रोजे पे जाना चाहते हो कोई रुकावट जब तक आपका इल्म सैक्रिफाइस नहीं हो रहा आप इज्तिमा पे लड़के जा रहे होते हैं आपने खुद देखा इज्तिमा पे जा रहे होते हैं हम रोजे पे जा रहे होते हैं अब लड़के एग्जाम्स के बॉयज अशरे पे जा रहे थे अब 20 से हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं फिर अशरे पे जाएं तो छुट्टियों में आप कुछ भी कर सकते हो आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग और साथ आप कनेक्टेड हो उससे तो आई लाइक दिस यू नो द तबलीग प्रमोशन वी आर विद तबलीग आई लाइक इट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बट आई थिंक व्हाट आई रियलाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से के मतलब आई थिंक इल्म की एक डिफरेंट जर्नी होती है एंड फिर एक और मजीद स्पिरिचुअल जर्नी होती है एंड आई थिंक एवरीबॉडी हैज दैट चॉइस कि वो किस तरफ जाए एंड क्या करे एंड आई थिंक व्हाट AISL जेन्युइनली डज इज कि आपको एक तो इल्म की बेस देता है एंड देन दैट कंपेनियनशिप दैट यू गाइस हैव एंड आई थिंक दैट नोबडी कैन डिनाई एंड आई थिंक इवन एज फ्रॉम अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम भी ये फील कर रहे होते हैं लाइक मुझे उस दिन आई थिंक हम जब निकले हुए थे आप लोग के बैच का आखिरी दिन था हमने खाना खाया था फिर हम वहां चले गए थे हर दिन आखिरी दिन लगता है इनका हर वीक जो है ना कहते हैं अब सेमेस्टर एंड हो रहा है तो आई थिंक मुझे किसी ने पूछा था हारिस ने पूछा था किसी ने पूछा था कि आप नहीं वो हमारा वो जे डॉट मिस्टर अहमद उसने पूछा कि आप फन के लिए क्या करते हैं एंड आई थॉट दैट आई डू नसीहा यार लाइक मेरे लिए ये मेरी सोशल लाइफ है ये मेरी गैदरिंग है लाइक आई वर्क इन द डे फिर जो टाइम बचा है वो फैमिली है एंड जो एक आपकी एक जो सोशल नीड्स हैं ऑलवेज फॉर मी इट वाज ऑलवेज मदरसा कि आपको वहाँ सोबत ऐसी मिल रही थी लोग ऐसे मिल रहे थे एंड आई फील लाइक कि यहाँ अल्लाह माफ करे हम शायद उसकी कदर नहीं करते यहाँ भी वक्त जाया करते हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि कुछ बचे हुए रहते हैं अच्छा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा होता है होम होम वाला वर्ड सही था ना होम अच्छा बहुत सारे नसीहा होम ये हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप हम हमारा अक्सर हम जा रहे होते हैं मतलब या ऑर्डर करवा दिया कुछ तो उसमें मुझे ये होता है कि मैं ना मतलब अपने टाइम को लेकर काफी कॉन्शियस हो जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में हार्डली कोई दो तीन दोस्त होंगे जिनके साथ फॉर एग्जांपल मैं चाय पे जाता हूँ कभी कभी इसके अलावा वो दावत के पर्सपेक्टिव से काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको दावत भी दे रहे होते हैं लेकिन यहाँ इनकार इससे नहीं हो पाता कि आपको पता होता है कि ये वाहिद जगह है और दिन में ये वाहिद मौका है जहाँ मैं इन्जॉय कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं
उधर हैंग आउट नहीं कर रहा मैं, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स में, वीकेंड्स में मतलब इधर ही होते हैं, खैर मेरा तो वाकई घर मतलब सेकंड होम नहीं, होम ही है। हाँ, इसने जेन्युइनली बना दिया मतलब वो बिल्कुल सब कुछ ओढ़ना जिसे कहते हैं, तब ये वाले कहते ओढ़ना बिछोना बना, कौन सा लिखा हुआ है आईडी कार्ड पे, कौन सा वाला, बस वो मैं चेंज करवाने वाला हूं, कुछ सोच रहा हूं कि गलती हो गई है, बेग स्टोर नियर बेग स्टोर, तो ओढ़ना बिछोना है, तो उस वजह से तो वो काफी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है कि ठीक है अगर यहाँ एंजॉय हो रहा है तो कोई टाइम जाया नहीं है मेरा, यही एंजॉय है मेरी, खैर चले, जज़ाकअल्लाह गाइस फॉर योर टाइम एंड जज़ाकअल्लाह फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, नॉट दैट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, बट आई डू बिलीव के कभी ना कभी लाइफ में जिसका जो है ना जो ब्रिंक पे होता है इज वर्थ ट्राइंग, एक बंदा एक तजुर्बा करे एंड एक्सपीरियंस करे कि हाँ यार ये भी एक लाइफस्टाइल हो सकती है, एंड यू नो दिस कुड बी अ जर्नी एज वेल, राइट, सो मे अल्लाह ताला ब्लेस यू बोथ एंड अल्लाह ताला आप लोग के जो है ना अच्छे रिपोर्ट कार्ड्स आप लोगों को नसीब फरमाएं, करीब वो आने वाले हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।